होता है, एटॉमिक नंबर इज अ यूनिक नंबर गिवन टू एनी एलिमेंट, जो किसी दो एलिमेंट का सेम नहीं हो सकता, सबको पता है। तो एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन साइड दैट एटम ऑफ द एलिमेंट एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हमने बताया था। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो प्रोटॉन की संख्या होगी किसी एटम के अंदर। हमने ये भी देखा था कि हमेशा एक्सचेंज किसका होगा, एक्सचेंज लेना देना किसके साथ होगा, इलेक्ट्रॉन 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 का होगा। हमने देखा था क्योंकि वो बाहर खड़ा रहता है, चौकीदारी करता रहता है, तो भाई साहब वही तो सबसे पहले आएगा, कोई बाहर से तो उससे निपटेगा। ये बताओ, उसको निपटने के लिए बाहर से अगर कोई आता है, एक बीच में है न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अगर कोई बाहर से आता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका भेंट किसके साथ होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन ही उसको, इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन एक एटम करता है, सबको पता है। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल इफ एन एलिमेंट और एटम हैज एटॉमिक नंबर ऑफ जेड इज इक्वल टू, अगर 6 है, इट मीन्स इट हैज प्रोटॉन इज इक्वल टू 6 एंड इट हैज इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इक्वल टू 6, सबको पता है इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इक्वल टू 6। जैसे मान लो जेड इक्वल टू 12 है, तो दैट इज प्रोटॉन उसके अंदर कितने हैं, प्रोटॉन उसके अंदर कितने हैं, 12 होंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसके अंदर, 12 होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, ये हिसाब किताब है। अब क्या है कि हमको पता है कि कुछ एलिमेंट्स, हमने बताया था कल आपको एटॉमिक नंबर याद कर लेना 20 तक। सिद्धार्थ याद किया बेटा, सिद्धार्थ और उत्कर्ष याद करके आए आप लोग? सर कुछ किया हाँ, कुछ किया सर नहीं, पूरा कर लो, पूरा कर लो। आज सर आपकी, अब केमिस्ट्री की लास्ट क्लास है, आप सीधे अब बैच में आ जाओगे, तो बैच में आने से पहले आप लोग को याद होना चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ दिमाग में होना चाहिए कि हाँ क्या है एटॉमिक नंबर, बहुत जरूरी है याद करना। ठीक है, तो अब क्या है, स्वयं क्लास में हो बेटा? सर ठीक है, तो Z इज इक्वल टू 12, प्रोटॉन इज इक्वल टू 12, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12। हमको पता है फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 टू 20, थ्री एलिमेंट्स आर स्टेबल, तीन एलिमेंट्स उसमें से स्टेबल है। फ्रॉम Z इक्वल टू 1 टू 20 कौन कौन से हैं स्टेबल एलिमेंट्स आर, जस्ट अ मिनट, तो क्या है कि फ्रॉम 1 to 20 द एलिमेंट्स विच आर स्टेबल आर कौन कौन से होंगे, हीलियम, हीलियम और नियॉन, हीलियम आर्गन और आर्गन भी होगा बेटा 18। तो वो भी होगा सर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन, ये तीन होंगे, ये तीन एलिमेंट्स जो होंगे दे आर स्टेबल, दे आर नोबल गैसेस, ये बिल्कुल खुश है, संतुष्ट है अपने जीवन से, ये कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, ये अपने लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते रिएक्शन के नाम पे। ठीक है, ये बिल्कुल संतुष्ट हैं भाई साहब, इनको नहीं मतलब है दुनियादारी से। ठीक है, तो ये तीन एलिमेंट्स के जैसे बाकी सब एलिमेंट्स 1 से 20 जो इनको छोड़ के होते हैं, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 10 एंड एटॉमिक नंबर 18, ये तीन के छोड़ के जो हैं बाकी सब है परेशान अपनी लाइफ से। ठीक है, बाकी सब परेशान है अपने लाइफ से, तो क्या करेंगे भाई साहब, वो सब इनके जैसा बनना चाहेंगे, इनके जैसा अगर बनना चाहेंगे वो, तो क्या करेंगे उसके लिए, कुछ ना कुछ bond. करेंगे, रिएक्शन करेंगे, बॉन्ड तो बात की बात है, रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन मीन्स वॉट, रिएक्शन मीन्स वॉट, दे विल रिएक्ट, रिएक्शन मीन्स वॉट, दे विल गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन करेंगे, कभी कभी हम देखेंगे कि शेयर भी करेंगे भाई साहब, वो क्या करेंगे, शेयर भी करेंगे, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर भी करेंगे। ठीक, ओके, अब देखिए जरा, मैं बता दिया आपको जेड इज इक्वल टू 1 to 20 तक ये तीन एलिमेंट स्टेबल हैं, दीज आर द स्टेबल एलिमेंट्स, दीज आर द स्टेबल एलिमेंट्स
These are the stable elements and we called them noble gases. हम लोग सब उसको क्या कहते हैं? Noble gases कहते हैं. Yeah, inert gas. जी? Inert gas या? हाँ, inert gas भी कहते हैं. Noble gas. Doubt है सर. हाँ बताओ. Hero भी कह सकते हैं सर. अरे रुक तो जा भाई, पूछ तो लेने दे उसको. हाँ बताओ. सर जो बाकी बचे उनको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए तो सर वो कैसे पता लगाएंगे? वही हम बता रहे ना, वही तो बता रहे. अब तुम कह रहे हो कि तुम तो वो राजा वाली बात कर रहे. एक राजा था, सुनो जरा कहानी. एक राजा था, ठीक है. उसके घर पे एक नाई आया बाल बनाने उसका, समझे. तो उसके घर पे एक नाई आया बाल बनाने, तो वो बोला कि भाई साहब ये बताओ कि मेरे बाल पक गए का. तो राजा क्या बोला? अरे नाई क्या बोला पता है? नहीं बोला भाई साहब, मैं तो आपका सरकार, मतलब भाई साहब नहीं बोला, सरकार बोला, राजा जी बोला, जो भी हुए बोला कि जब मैं काट रहा हूँ बाल आगे ही तो आपके गिर रहे हैं, मतलब नीचे ही तो आ रहे हैं, आपके सामने गिर रहे हैं, आप देख लो पका है कि नहीं पका है, चाहे जो भी है. तो परेशान ना हो, हम तो बता रहे हैं, अभी तो स्टार्ट किया है, हम वहां तक पहुंचेंगे. जहां तक आप पहुंच गए वहां तक हम पहुंचेंगे, परेशान ना हो, बस हम वहीं पे आ रहे हैं. तो बेटा विकास क्या है कि हमको, हमने आपको कल ये बताया था कि एटॉमिक नंबर, ये सारी चीजें. अब 1 से 20 के बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं, दे आर स्टेबल. वो अपने जीवन से बहुत खुश हैं. आप म्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो केवल हमने अभी तक जो बताया. ये क्या, अपने जीवन से बहुत ही खुश हैं. 2, 10 और 18 इनके जो एटॉमिक नंबर है, 2, 10 और 18 एटॉमिक नंबर, जीवन से अपने बिल्कुल खुश हैं. ये कुछ नहीं करना चाहते, बाकी अब देखो जरा. अच्छा ये बताओ, 2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे विकास? एटॉमिक नंबर जिसका 2 है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे विकास? सर रिपीट करना सर एक बार क्वेश्चन. और हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर 2. 2 होंगे, वेरी गुड. और ऐसे ही नियॉन के पास 10, आर्गन के पास 18. अब 18. ठीक है, अब मैंने नंबर लिख दिया, देखो जरा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अब भाई साहब ये 20 तक हमको देखना है. अभी अब ये बताओ, उसके आगे भी देखना है. बहुत लोग 30 तक शायद याद कर लिए होंगे, अच्छी बात है, वो याद कर ले, उसको काम आएगा ही वो. तो इनमें से कुछ जो एलिमेंट जो हमारे हीरो हैं, जो इस बिल्कुल स्टेबल है, उनको हम आइन सर्कल कर लेंगे, उसको हम गोला कर लेंगे. 1 है 18, 1 है 18, 1 है 2 और 1 है ये 10. ये तीनों हीरो हैं, ये तीनों स्टार हैं इस 20 तक के. ठीक है, 20 तक के स्टार ये हैं. बाकी सब क्या हैं भाई साहब? वो इनके जैसा बनना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू बिकम लाइक देम. ठीक है, दे वॉन्ट टू बिकम स्टेबल, वेरी गुड. अब ये बताइए, 3 जो है ये, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उत्कर्ष? 3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सचिन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है. अब ये बताओ 3 बनना क्या चाहेगा, 2 या 10, दोनों में से कोई भी? 3 जो है ये 2 भी बन जाए तो खुश है और 10 भी बन जाए तो खुश है, दोनों में इसकी खुशी है. इस बात को समझना, 2 भी बन जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा या 10 बन जाए तो स्टेबल हो जाएगा. इफ इट बिकम 2 और 10, इन द बोथ केसेस इट विल बिकम स्टेबल. बट आप ये बताओ कि आपके पास 2 रास्ते हैं, मतलब 2 रास्ते हैं, दोनों चीज से सेम चीज मिलती है आपको, दोनों चीज करने से सेम चीज मिलती है, दोनों में आपकी खुशी है, दोनों में बराबर खुशी है. तो ये बताओ कि जो आसान है कि जो कठिन है उसको करोगे? जो आसान है वही करेंगे. आसान है वही करोगे? ये हमारी भी प्रवृत्ति होती है, ये एलिमेंट्स की भी यही प्रवृत्ति होती है, सबका यही नेचर होता है. ठीक है, तो ये 3 जो है अनंत समझना, ये जो 3 है, ये जो 3 है लिथियम, 3 जो है कौन, लिथियम है इसका नाम Li. ये लिथियम क्या करेगा, 2 बनना चाहेगा ना कि 10. ठीक है, अब ये बताओ 10 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10. 2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. अब ये बताओ 3 अगर 2 पे जाना चाहेगा तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा. लेकिन अगर ये 10 पे जाना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा. तो इन लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज कंज्यूम्ड. ओके, जब भी इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन होता है तो एनर्जी का लेना देना होता है भाई साहब, सीधी सी बात. तो इस बात को समझ लीजिए आप, आगे हम बताएंगे उसको, लेकिन यहाँ पर आप जरूर ये समझें कि ये 3 आसान है, इसके लिए 2 पे पहुंचना, इसके लिए 2 पे पहुंचना आसान है. तो ये कुछ नहीं, क्या करेगा, 2 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा.
वन इलेक्ट्रॉन लूज, लूज वन इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके खट से टू पे पहुंच जाएगा, टू जैसा बन जाएगा ये, तो टू जैसा मतलब कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, दो इलेक्ट्रॉन बचने की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आई? फोर वाला क्या बनना चाहेगा, टू, फोर वाला भी टू बनना चाहेगा, कितने लूज करेगा, क्यों सिद्धार्थ कितने लूज करेगा ये सर, टू, टू लूज करेगा। फाइव वाला सर थ्री, थ्री लूज करेगा। तो ये तीनों क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, तीनों क्या कर रहे हैं, लूज करेगा। अब ये बताओ सेवन वाला क्या करेगा, टू बनना चाहेगा कि टेन सर, टेन, टेन क्या करेगा, क्या करेगा सर, थ्री गेन करेगा, थ्री गेन करेगा। एट वाला, एट वाला गेन करेगा। और नाइन वाला, नाइन वाला गेन करेगा। बस हो गया काम। अब ये बताओ जितना इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट लूज या गेन करेगा स्टेबल होने के लिए, वही उसकी वैलेंसी होती है। The number of electron loses and an element loses or it gains to gain stability or to achieve stability is known as its valency. Are you getting? Anand, समझ में आ रहा है? Yes sir. जितना electron वो lose या gain करेगा stable बनने के लिए, जो element, वो उसकी valency होगी। Means what? Lithium की valency कितनी? कितना lose या gain किया वो? लिथियम ने कितना गेन किया या कितना लूज किया सर, माइनस वन किया सर, वन गेन, गेन किया और वन से माइनस। लिथियम, लिथियम गेन कर रहा है, गेन किया सर, लिथियम गेन किया है सर। कहां लिथियम गेन कर रहा है, लिथियम तो लूज कर रहा है भाई साहब, पाप कर दिया। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, थ्री है, तो ये तो लूज कर रहा है ना। कौन है जो कह रहा है गेन कर रहा है बेटा, उत्कर्ष कैसे गेन कर रहा है बताओ जरा हमें। अभी आपने लूज कर रहा है ना, यस सर, तो लूज कर कितना कर रहा है सर, लूज लिथियम से वन, वन, तो वैलेंसी कितनी सर, वैलेंसी इसकी होगी वन। बस बात खत्म, काय के लिए इतना सोच रहे है। फोर की, बेरिलियम, फोर कौन होता है, बेरिलियम, बेरिलियम का क्या होगा सिद्धार्थ सर, माइनस टू। हाँ बहुत होशियारी है, वाह भाई साहब, कौन बोल दिया तुम्हें माइनस टू, अरे टू कर रहा है ना, माइनस प्लस मैंने बोला क्या सर, तो काय के लिए लगा रहे हो अपने मन से माइनस और प्लस, कौन बोल दिया, यही तो होशियारी है आप लोग की, अपने मन से फिर बनने लगते हो बाबू हैं, कि बस सर ने बोला टू मतलब हम प्लस माइनस लगा दे उस पे। अरे जितना बता रहे उतना सुनो, उतना समझो, कितना लूज कर रहा है ये, टू, तो वैलेंसी कितनी, टू। ज्यादा दिमाग लगाओगे गलती करोगे, हम तो कह रहे हैं कि जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे आप उतनी ज्यादा गलती होगी, जितना हम कह रहे उतना ही दिमाग लगाओ, उतना ही बताओ कि हाँ भैया फोर जो है वो दो लूज कर रहा है मतलब टू, फाइव जो लूज कितना कर रहा है तीन, तो विकास कितनी होगी बैलेंसी फाइव की सर, थ्री। बस सेवन की बैलेंसी स्वयं कितनी होगी, सेवन जिसका थ्री, एट वाले की अनंत टू। अब 11 वाले की कितनी होगी शगुन, 11 वाले की बैलेंसी कितनी होगी, सर 11 वाले की बैलेंसी कितनी होगी सर, माइनस वन, फिर माइनस प्लस करने लगते हो अपने मन से हैं, ये वन ही तो लूज करेगा, लूज वन, हाँ तो सर वही होगा ना सर वन। अब ये बताओ कि 16 के, 16 का कितना होगा सिद्धार्थ, 2। 17 का बताओ, 1। 19 का, 1। अब बताओ वैलेंसी सीख गए कि नहीं, यस सर, वैलेंसी सीख गए। अब देखो कि प्लस और जो माइनस कह रहे थे वो क्या है, देखो जरा उसकी बात कर लेते हैं, प्लस और माइनस। देखो हम बता रहे हैं प्लस माइनस का जो खेल है, जो आप लोग प्लस माइनस कर रहे हैं, जरा उसका खेल हम बता देते हैं। वो प्लस माइनस क्या है ना कि वो अब एक चीज मैं और बता दूं यहीं पे, अगर अब ये चीज समझ ही गए हो आप लोग, तो बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जो एलिमेंट क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया स्टेबल होने के लिए, उसको हम कहते हैं मेटल। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया टू अटेन द स्टेबिलिटी इज नोन एज मेटल। देखना जरा लिख दे रहे हैं, द एलिमेंट
the atom of an element element which loses electron is known as metal. उसको हम कह देते हैं metal. And number of electron it loses to attain stability is called its valency. बस सीधा सा मतलब है यार, इतना परेशान होना ही नहीं है. दूसरा क्या हो जाएगा, द एटम ऑफ एन एलिमेंट विच गेन्स इलेक्ट्रॉन इज नोन एज नॉन मेटल एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट लूजेस टू अटेन स्टेबिलिटी इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. ये सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी आ जाएगा. एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट गेन्स टू अटेन स्टेबिलिटी is called its valency. बस वहां पे भी यही वैलेंसी, यहाँ पे भी यही वैलेंसी, बिल्कुल सिंपल. तो मेरे बताओ एटॉमिक नंबर जो थ्री है, एटॉमिक जो नंबर जो थ्री है वो मेटल है कि नॉन मेटल? मेटल है. एटॉमिक नंबर जो थ्री है वो मेटल है ना? यस सर. तो एटॉमिक नंबर थ्री मेटल है, वैसे ही एटॉमिक नंबर फोर भी मेटल है. फोर भी मेटल है सिद्धार्थ. सेवन क्या होगा सर? मेटल, नॉन मेटल सर. नॉन मेटल सर. सेवन गेन कर रहा है नॉन मेटल. एट नॉन मेटल. नॉन मेटल. नाइन भी नॉन मेटल. इलेवन मेटल. ट्वेल्व मेटल. मेटल. तो आप ये भी बता सकते हैं 1 से 20 के बीच में कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है? बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं सर. को आसानी से बता सकते हैं? आपसे अगर कोई पूछे कि नाइट्रोजन क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल, तो आंख बंद करके बोल दो भैया क्या है? नॉन मेटल. नॉन मेटल. नॉन मेटल है. मेटल कौन बोल रहा है? सेवन होता है एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का. यस सर. तो नॉन मेटल होगा ना. थोड़ा सा बिल्कुल कूल होके समझो ना आप, बिल्कुल कूल ठंडे होके समझो, गड़बड़ी कुछ नहीं है. अब और कोई बोलेगा कि भाई साहब ऑक्सीजन क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल? ऑक्सीजन मेटल है कि नॉन मेटल? नॉन मेटल. नॉन मेटल. नॉन मेटल है. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? एट. एट. नॉन मेटल है. अगर कोई बोले कि क्लोरीन क्या है, विकास अगर कोई बोले कि क्लोरीन क्या है तो क्या बोलोगे सर? क्या क्लोरीन, अगर कोई पूछे कि क्लोरीन क्या है, मेटल कि नॉन मेटल? सर नॉन मेटल. नॉन मेटल है. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर स्वयं कितना होता है बेटा? 17 सर. 17 है. ठीक है. अगर कोई बोले कि कैल्शियम क्या है, मेटल कि नॉन मेटल? मेटल. मेटल. बस 20 होता है, मेटल होगा. लूज करेगा 18 पे आने के लिए. तो हम आसानी से बता सकते हैं, वी कैन इजीली प्रेडिक्ट दैट व्हिच एलिमेंट इज मेटल व्हिच एलिमेंट इज नॉन मेटल. अब ये बताओ मेरे को, जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सगुन, बहुत ध्यान से. 7, 8, 9 कंपेयर कर रहा है. 7, 8 और 9 इन तीनों में अच्छा नॉन मेटल कौन सा है? कोई बताएगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा. सार्थक पुराने स्टूडेंट्स में कोई नहीं बोलेगा. ठीक है. तो मेरे को ये बताएगा जिससे मैं पूछूंगा, 7, 8 और 9 में अनंत आप बताओगे बेटा कि कौन अच्छा नॉन मेटल है. 7, 8, 9 तीनों नॉन मेटल है, इस बात का कोई शक है क्या? नहीं सर. ये इस बात में कोई शक नहीं है कि 7, 8, 9 तीनों में से तीनों नॉन मेटल है. लेकिन ये बता, अगर कोई पूछेगा कि तीनों में से अच्छा नॉन मेटल कौन सा है? नाइन हो सकता सर. हाँ सर, नाइन हो सकता शायद. अच्छा, विकास क्या लगता है आपको? सर मेरे को भी लगता है नाइन ही होगा. क्यों लगता है ऐसा बताइए. मैं बताऊं? मैं साठ. अरे नहीं नहीं, रुक तो जाओ यार. मैं बताऊं?
सर मैं बताऊं? हाँ कौन? सर आनंद। हाँ आनंद बताओ। सर उसके पास, उसको बस एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसलिए शायद वो अच्छा नॉन मेटल है। अब ये है बात कि जिसको कौन, सात आठ नौ में से कौन जल्दी स्टेबल हो रहा है, बात को समझना स्वयं, सात आठ नौ सेवन एट नाइन में से कौन जल्दी स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है, कौन आसानी से स्टेबल हो जाएगा? नाइन। उत्कर्ष समझ में आ रहा है बेटा ये बात? यस सर। सेवन एट नाइन में से जल्दी टेन पे कौन पहुंचेगा? तीनों टेन पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन नाइन वाला जल्दी पहुंच जाएगा, इसलिए ये अच्छा क्या है, नॉन मेटल। आर यू गेटिंग? अगर आपसे पूछे 11, 12, 13 में से अच्छा मेटल कौन सा है शगुन, क्या कहोगी? अगर आपसे कहे कि सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, इन तीनों में से अच्छा मेटल कौन सा है, तो क्या कहोगी बेटा? मैं बताऊं? रुक तो जाए यार, तुम तो कसम से है भी कि नहीं क्लास में, ये शगुन कहाँ है, चली गई, नहीं है। हाँ तो मेरे को ये बताए, हाँ शगुन है तो बताओ शगुन। हाँ हाँ सर है, क्या सर? सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से अगर कोई पूछे कि कौन अच्छा मेटल है तो कौन सा है? सही यही होगा, Na। कौन? सोडियम Na। हाँ सोडियम अच्छा है, क्यों? क्योंकि ये सबसे वो एक लूज कर रहा है, सिर्फ सबसे कम लूज कर रहा। अरे भाई सिद्धार्थ समझ में आया? यस सर। तो आप आसानी से बता सकते हैं, आपको बोलेगा फॉस्फोरस सल्फर और क्लोरीन, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नॉन मेटेलिक नेचर। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है? तो 15, 16, 17 इनको आप अरेंज करो इन देयर इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक नेचर, तो बताएगा कोई पी फिर एस फिर सी एल। तो इसको अगर अरेंज करें हम इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक ऑर्डर में, तो क्या लिखोगे विकास? सबसे पहले कौन आएगा? सर क्या क्वेश्चन सुनते नहीं क्या? मैं पूछ रहा हूं कि 15, 16, 17 को आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नॉन मेटेलिक नेचर। ओके, ऑल द थ्री आर नॉन मेटल्स, लेकिन अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नॉन मेटेलिक नेचर। तो बताएं कि सबसे पहले कौन लगाएंगे, सबसे पहले कौन आएगा? सर मैं बताऊं? नहीं उसको बताने दो ना विकास। सर सर 15, 16, 17 यही आएगा ना इंक्रीजिंग ऑर्डर? यस सर। हाँ तो सबसे पहले 15 फिर 16 फिर 17, दिस विल बी ऑर्डर, दिस विल बी ऑर्डर। ओके तो स्वयं समझ में आ रहा है चीज? हाँ सर। हाँ बाकी प्रदीप और शिखर आप लोगों को सोम तो समझ में आ ही रहा होगा, आप लोग तो बस रिवीजन है आप लोग के लिए, ठीक है? तो yes, आप लोग बस देखते रहे चीजों को, थोड़ा सा रिवाइज होता रहता है तो दिमाग में फिर और बैठता जाता है। अब हम बता रहे हैं कि क्या इसे प्लस है क्या माइनस चार्ज जो आ रहा है, ये क्या नाम है इसका, मिस्टर सार्थक, सार्थक परेशान हो जाता है, हाल पेशेंस नाम की चीज नहीं है इसके अंदर, बस हैं क्यों सार्थक पेशेंस नहीं रख पाते बेटा? सर हाँ एक डाउट है सर। हाँ पूछो ना। बिल्कुल सर, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है सर, मेटलाइट्स का क्या होगा? बताएंगे, वो बीच वाले होंगे, गेन या लूज दोनों कर सकते हैं, बताएंगे, परेशान ना हो। जैसे कि जर्मेनियम, जर्मेनियम कौन भी है सर, बोरॉन, आर्सेनिक। चलो ठीक है हम बताएंगे क्या है। सार्थक तुम्हारे लिए एक कहानी है हमारे पास, पता है क्या सर? अभी कहानी बताएंगे तो फिर टॉपिक रह जाएगा, चलो हम कहानी बाद में किसी दिन बताएंगे। डाल दीजिए सर, कभी-कभी फनवियों को जाना चाहिए, आप हफ्ते भर तो पढ़ाते ही हैं। अच्छा बता देंगे, अभी देखें लास्ट में बताएंगे उसको जब बना ले। तो सबके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है स्पेशली, ऐसा नहीं है, सबके लिए। देखो मान लो कि ये हमारा कौन सा था, सोडियम, ये हमारा सोडियम बना दिया ऐसे, हमने इस एटम को दिखा रहे हैं सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, एटॉमिक नंबर 11 है बेटा। तो ये बताओ कि इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 11, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 11, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, इसके पास प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। अब ये बताओ कि मेरे को नहीं, तुम क्या कहानी सुनने के लिए बस तुम इंतजार रखो बाद में लास्ट में, ठीक है? अब तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे, परेशान हो गया।
ये बताओ कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है अनंत? अनंत प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा? सर पता नहीं। अरे प्रोटॉन प्लस प्लस पॉजिटिव 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 चार्ज होता है सिद्धार्थ। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव 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 चार्ज। ठीक है। अरे सर मुझे लगा आप न्यूमेरिक वैल्यू पूछ रहे। नहीं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल रहता है। ठीक है। जब फिर वो जैसे कि जो मेटल है तो जैसे सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। चुप रहो। हो जाए प्रोटॉन ज्यादा हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तुम कंट्रोल नहीं कर पाए, डांट सुनोगे और कुछ नहीं। ठीक है। तो प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन इज व्हाट? पॉजिटिव। एंड इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? नेगेटिव। तो कितने पॉजिटिव है भाई? 11। तो 11 पॉजिटिव साइन बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। निगेटिव कितने? 11। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सर। हाँ सर। हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं सर। तो ये क्या हो गए भाई साहब? अनंत समझना जरा, बाकी सिद्धार्थ और विकास और आप लोग भी समझना। इस सोम सार्थक को पीछे करना है आप लोगों को जल्दी से जल्दी। ठीक है। तो जल्दी जल्दी समझो, ये बहुत होशियार बनता है। ठीक है सर, हम भी तो समझते हैं। इसको होशियारी निकालनी है आप लोगों। ठीक है। टेस्ट बस मैं कुछ ही दिन में निकल लेने वाला हूँ। देखो कॉम्पिटिटिव फीलिंग लाओगे एक दूसरे के साथ तभी कुछ आगे बढ़ोगे। देखो क्या है कि 11 पॉजिटिव है और 11 निगेटिव है, लेकिन ये विकास क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि प्रोटॉन दे रहा है? ले रहा है। क्या लेना देना कर रहा है? मैं बताऊं सर? अरे रुक जा यार, तुमको हम रिमूव कर देंगे क्लास से, ये बात ध्यान रख लो अब। ठीक है। सॉरी सर। मैं बताऊं सर? हाँ बताओ। इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा सर? प्रोटॉन का लेन देन कर रहा है क्या सिद्धार्थ? आप बताओ सर। तो प्रोटॉन का कोई लेन देन नहीं कर रहा है, तो प्रोटॉन तो प्लस जितने वो इतने ही रहेंगे, लेकिन ये केवल इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर रहा है। द लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये सोडियम है, इफ इज सोडियम है 11, तो ये क्या करेगा? लूज करेगा गेन करेगा? 11 कर लूज करेगा सर। लूज करेगा। लूज करेगा कितना? 1 तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो इसमें से। बात मानो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या कर देंगे हम? कम कर देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन कम मतलब एक नेगेटिव साइन। खत्म। खत्म कि नहीं खत्म? पहले क्या था? पहले क्या था? प्लस 11 माइनस 11 जीरो। कोई चार्ज नहीं था सोडियम के ऊपर। कोई चार्ज था क्या? Na के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसे लिखा था Na। ठीक है। लेकिन जैसे ही इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब स्थिति क्या हो गई? प्रोटॉन कितने बेटा? प्रोटॉन कितने अभी भी? 11। तो प्लस 11 प्लस 11 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? -10 -10 तो कितना आ जाएगा? -1 +1 आ जाएगा। +1 आ जाएगा। विकास स्वयं? यस सर। +1 आ जाएगा। तो ये +1 आ गया, तो सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम के ऊपर एक +1 का चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आई? सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज आएगा। जब +1 का चार्ज आ जाएगा, इट मींस इसको हम कहते हैं आयन। इसको हम क्या कह देते हैं? जब वो चार्ज्ड पार्टिकल हो जाता है, जब वो एटम चार्ज्ड हो जाता है पॉजिटिव या निगेटिव का, तो उसको हम आयन बोलते हैं। अब ये एटम नहीं है, अभी आयन बन चुका है। बात को समझिएगा, जब भी चार्ज आएगा पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो आयन होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव है, इफ इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, देन इट इज नोन एज केटायन। ये बन जाएगा क्या? कैटायन। कैट वाला आयन जो बनता है, कैटायन जो बनता है, दैट हैज द पॉजिटिव चार्ज। तो ये सोडियम के ऊपर चार्ज कितना आएगा? Na +1। आर यू गेटिंग एवरीवन? विकास सिद्धार्थ एंड उत्कर्ष स्वयं एंड अनंत, समझ में आ रहा है? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, अगर हम बात करेंगे मान लीजिए मैग्नीशियम की, सपोज दैट ऑक्सीजन की बात कर लो। चलो ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा? ऑक्सीजन क्या करेगा जल्दी बताओ मेरे को?
गेन करेगा सर, टू गेन करेगा, गेन करेगा। वो ये बताओ मेरे को कि प्रोटॉन कितने रहेंगे उसके पास सर? एट। एट। प्रोटॉन, प्रोटॉन ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन कितने होंगे? एट होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एट। एट, ठीक है। बाद में अभी इसका हुआ क्या, जब इसने गेन किया स्टेबल होने के लिए, पहले प्लस डब्बा बना ले एक बार और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो ये लास्ट बार है डब्बा बनाने का, अब हम बार बार डब्बा नहीं बनाएंगे। तो क्या हो गया, प्लस कितने? आठ। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। निगेटिव कितने? आठ। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब इसने क्या किया है, इट्स एटॉमिक नंबर इज एट, जेड इज इक्वल्स टू एट। इसने क्या किया भाई, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया विकास? टू। टू, तो कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया? दो ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन में इसमें मैं कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं? दो। टू। तो दो इलेक्ट्रॉन में बढ़ा दूं जो इसने गेन किए थे, मैंने अलग कलर से बढ़ा दिए दो, ठीक है। अब ये बताओ कि क्या स्थिति है, अब प्लस का कितना है सर? एट। एट। माइनस का कितना है? टेन। टेन, तो क्या आएगा साइन? माइनस टू। माइनस टू। माइनस टू, तो मतलब सीधा सा है कि ऑक्सीजन के ऊपर आता है माइनस टू, ऑक्सीजन के ऊपर टू माइनस आता है। आर यू गेटिंग? ऑक्सीजन के ऊपर टू माइनस आता है, आर यू गेटिंग? ये आयन बनेगा, ये आयन है, लेकिन कौन सा आयन है? एन आयन कहते हैं इसको सर। हाँ, एक चीज बताइए सर। हाँ बताइए सर, ये मतलब हम लोग जब सिंबल चढ़ाते हैं इसमें केमिस्ट्री में, तो क्या ये जो माइनस का साइन नंबर के पीछे लगा दिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती? कुछ नहीं दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है, मैथमेटिक्स नहीं है ये, पहले ये शो करने का है कितने आयंस कितने। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बार बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा रहेगा, दो माइनस ऐसे करके लिख देगा। ए, सर जी तो नहीं देखा कभी, ऐसे भी लिखता है। तो आपने किताबें कितनी पढ़ी हैं, ठीक है, एक दो किताब पढ़ते हो आप लोग, तो फॉरेन राइटर्स की उठाओ ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है, टू माइनस। इंडिया की तो पढ़ नहीं पा रहे सर, फॉरेन की पढ़ते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो ये ऐसे भी दिखा सकते हैं, कई कई लोग ऐसे भी लिखते हैं ओ माइनस टू, कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वैसे ये ज्यादा सही है, ये थोड़ा ऐसे ही है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग को समझ में आया भाई साहब, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू का चार्ज आएगा, एंड द निगेटिव चार्ज आयन जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एनायन। द निगेटिव चार्ज आयन्स आर नोन एज एनायन्स, एंड द पॉजिटिव चार्ज आयन्स आर नोन एज केटायन्स। बहुत सिंपल, निगेटिव चार्ज्ड, निगेटिवली चार्ज्ड आयन्स, निगेटिवली चार्ज्ड आयन्स को हम कहते हैं एनायन्स, ठीक है, एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स को हम कहते हैं, आयन्स को कहते हैं हम केटायन्स। ये चीज आप ध्यान रखें कि निगेटिवली चार्ज को क्या कहते हैं और पॉजिटिवली चार्ज को क्या कहते हैं। बहुत सिंपल, अब हम बनाएंगे फॉर्मूला, अब हम बनाएंगे फॉर्मूला क्रिस क्रॉस मेथड से। तो देखिए जरा, बहुत सिंपल है फॉर्मूला बनाना, तो क्रिस क्रॉस मेथड क्या कहता है देखिए, क्रिस क्रॉस मेथड फॉर्मूला बनाना, ठीक है। आपसे बोला कि भाई साहब बनाओ फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा लेंगे पहले हम, आपसे बोला बनाओ फॉर्मूला पहले आप किसका, सोडियम क्लोराइड का, आपको बोला कि बनाओ फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का, तो कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं पहले तो ये देखना, नोटिस करना। सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व, आपको केवल नाम दिया है, फॉर्मूला आपको लिखना है, नो डाउट आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, लेकिन हम सीखेंगे जीरो से। सोडियम और क्लोरीन दो हैं, क्लोरीन है इसमें, साहब बात को समझना, इसमें क्या है, क्लोरीन है, तो क्या है, क्लोरीन है, तो इस बात को समझना है। क्लोरीन कभी भी किसी के साथ जब रिएक्ट कर लेता है तो उसको क्लोराइड बोलते हैं। ऑक्सीजन कभी किसी के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्साइड बोलते हैं, बात समझ में आ रही है। कभी भी क्लोरीन किसी दूसरे के साथ जब रिएक्ट करके क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा या कुछ बनाएगा कंपाउंड, तो उसको हम कह देते हैं क्लोराइड, और जब ऑक्सीजन करता है तो ऑक्साइड, ऐसे ही करके सबका बनता है। बात समझ में आ रही, धीरे धीरे वो और क्लियर हो जाएगा।
तो इसमें विकास क्या लगता है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सोडियम और क्लोरीन, यही है दोनों? यस सर। अब यही दोनों है, बस इनके सर के ऊपर क्या कहता है क्रिस क्रॉस कि इसके सर के ऊपर इसकी वैलेंसी लिख दो, इसके सर के ऊपर इसकी वैलेंसी लिख दो। इसकी वैलेंसी कितनी कितनी उत्कर्ष? प्लस वन प्लस। फिर से वैलेंसी प्लस, कहां से प्लस मैंने बोल दिया यार, वैलेंसी प्लस माइनस में नहीं लिखना है अपने को, काहे परेशान हो रहे हो बार बार, यही तो गलत, तो उल्टा सीधा पढ़ लेते हो स्कूलों में, फिर उसके बाद अब यहाँ पे आके बोलते हो कि सर मैंने ये बनाया, बाद में आयंस बने, वो उनकी वैलेंसी माइनस प्लस में होती है, उनको प्लस माइनस में लिखते हैं आयंस को, ना कि हम एटम्स को लिखते हैं। तो एटम्स की ये वैलेंसी जो होगी वो आप चलो क्या करें, अब ये आदत होगी आप लोगों की ये चीज पढ़ने बोलने की। अब क्लोरीन की कितनी है, स्वयं क्लोरीन की? सर वन। क्लोरीन की वन है, सोडियम की वन है, किसी को कोई शक? सोडियम की वन थी, सोडियम देखो 10 था तो सोडियम की भी वन और क्लोरीन 17 है इसका भी वन। ये बात अलग है कि ये लूज कर रहा है ये गेन कर रहा है, बस तो बात खत्म हो जाती है यहीं पे। अब जब दोनों नंबर सेम है तो इसको इसके फुट पे ला दो, इसको इसके फुट पे ला दो। अब जब भी ऐसा करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा, बन गया फॉर्मूला NaCl। बताओ बताइए भैया अनंत, समझ में आया? यस सर। अभी आपको बोलता है कि आप बनाओ मैग्नीशियम क्लोराइड, जल्दी से बनाओ जरा मैग्नीशियम क्लोराइड, आपको बोलता है कि आप बनाइए मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, स्वयं अरे सार्थक कह रहे हैं, स्वयं और विकास और सिद्धार्थ, आप लोग जल्दी से बनाएंगे बेटा, कौन कौन से एलिमेंट्स की बात कर रहा है ये? मैग्नीशियम मतलब Mg, शगुन आप भी बनाओगे, मैग्नीशियम मतलब Mg लेकिन बोलोगे नहीं, और क्लोराइड मतलब क्लोरीन, बस बताओ उत्कर्ष कितनी वैलेंसी होती है सो मैग्नीशियम की? सर भेज दिया आपको। हाँ देख लिया मैंने, बताओ सर मैग्नीशियम के साथ 2, मैग्नीशियम की 2, ठीक है वेरी गुड, मैग्नीशियम की 2 और क्लोरीन की 1, बस। अब क्या करोगे अनंत, क्या करोगे इसको इधर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं यार, ये इसके, क्रॉस है। ये इसके जो सर पे लगा है ना Mg, उसके क्लोरीन के पैर पे लाना है, और ये जो क्लोरीन के सर पे है इसको Mg के पैर में गिराना है, बस MgCl2 हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड, इसकी टोपी उसके सर करना है बस और कुछ नहीं, उसके पैर करनी है उसकी टोपी, सर पे नहीं चढ़ानी, उसके पैर करनी है सर, 5 मिनट बचे खराब हो जाएगी सर, क्या कह रहे हैं उसकी सर की टोपी उसके पैर में कर देंगे, उसकी इज्जत खराब नहीं हो जाएगी? तो क्या करना है अपने को, क्या है कहानी सुनानी है? तो क्या है एल्यूमिनियम बोला आपसे कि बताइए आप एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिद्धार्थ आप बनाओगे इसका फॉर्मूला, आप बताओगे मेरे को एल्यूमिनियम क्लोराइड, जल्दी बनाइए। सिद्धार्थ आप बोलिए बेटा, अपना अनम्यूट करिए, बोलिए मैं क्या लिखूं एल के नीचे, एल्यूमिनियम के नीचे क्या लिखूं सर? एल, एल लिख दूं, ठीक है सर, और इसके नीचे क्या लिख दूं मैं? सीएल, एल लिख दिया, इसके नीचे सीएल लिख दिया। अब इसके सर पे कितना लिखूं सर? 3, 3। इसके सर पे कितना लिखूं? 1, 1। अब क्या करूं? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा सर? AlCl3। बहुत सही, बात समझ में आया? यस सर। AlCl3, सभी लोगों को समझ में आ गया? और बाकी उत्कर्ष क्या लगता है बेटा, समझ में आया? यस सर आ गया। बनाओ जरा कैल्शियम क्लोराइड का जल्दी से, आप बताओ कैल्शियम क्लोराइड का सर, बताओ मेरे कैल्शियम का सी ए सर, क्लोराइड का सी एल सर, कैल्शियम का सर 2, 2 और सर क्लोराइड का 1, क्लोरीन का 1, ठीक, क्लोरीन का 1 को इधर और इसको इधर, क्या बन जाएगा? CaCl2 CaCl2 हो गया,
तमाम कैल्शियम क्लोराइड। बात समझ में आ रही है? yes, बात समझ में आ रही है। आपको बोला कि सोडियम ऑक्साइड बनाओ, सोडियम ऑक्साइड। मेरे को ये अनंत बताइए जरा, सोडियम ऑक्साइड अनंत क्विकली बताइए, सोडियम का बोलो, सोडियम का SO2 सर, सोडियम का SO2। अरे खींच के एक चपाट पड़ेगी अभी, बुद्धि खुल जाएगी तुम्हारी खट से। सोडियम का क्या है सिंबल? सोडियम का सिंबल क्या है अनंत? क्या हो गया तुम्हें, हैंग हो गए का? नहीं सर नहीं, एने हैंग हो गया, हमको लग रहा है सिस्टम का। उसने अपने आप ही कर लिया है। और ऑक्साइड ऑक्सीजन लिखोगे, क्या लिखोगे? ऑक्सीजन है ओ, ऑक्साइड क्लोराइड के सीएल लिखा था, ऑक्साइड का ओ लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस सर वो लिखे। बताओ आप सोडियम की वैलेंसी कितनी, जल्दी बताओ, हंसना बंद। वन वन। और ऑक्सीजन की? टू टू। क्या बनेगा? Na2O। बहुत आसान है अब सर, कहानी अब तुम समझ भी नहीं सकते थे कि Na2 अभी तक तुम बना ही नहीं सकते थे। जल्दी से मेरे को बता देगा उत्कर्ष, कैल्शियम ऑक्साइड का बेटा? सर कैल्शियम का सर 2 Ca। सर कैल्शियम Ca। हाँ और ऑक्सीजन का? O सर। O क्या हो जाएगा? Ca2। सीए के सर के ऊपर क्या लिखे जल्दी बताओ? सर टू। तो इसके सर के ऊपर? सर टू। जब ये जो टू टू होगा तो ये कट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? जब ये सेम नंबर होगा तो कट हो जाएगा, ये क्या बनेगा? TAO। TAO। बात समझ में आई? यस सर। कहानी सर क्लास खत्म होने वाली है। कहां अब कहानी की बारी है, तो कहानी मेरे भाई अब 11th की क्लास है, तो कहानी अब हम लोग कभी बाद में। अरे सर आप सुना दीजिए सर, बस शॉर्ट में सुना दीजिए। शॉर्ट में नहीं सुनना, उसको समझना भी, उसका मीनिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेटेलाइट्स का बता दीजिए सर। हैं मेटेलाइट्स का? अरे सर जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, वो मेटलॉइड्स होते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर देखो, इधर मैं आ रहा हूं, इधर मैं आ रहा हूं, ये 14 है जो, देखो 14 की बात कर लो, 14 जो। अब ये 10 भी बन सकता है और 18 भी, कितना लूज करेगा तो 10 बनेगा, बताओ जरा कितना लूज करेगा तो 10 पे जाएगा? अरे रुक जा भाई साहब, 14 कितना लूज करेगा तो 10 पे जाएगा बेटा? अनंत बताओ। हैं? 4। 4 कितना गेन करेगा तो 18 पे जाएगा? 4 सर। 4। अब इसके लिए दोनों बराबर है, इसके लिए 10 पे भी जा सकता है और 18 पे भी जा सकता है। तो जिसके लिए ऐसा रास्ता हो जाएगा कि वो बीच में फंस गया है, उसको इधर भी जाए तो उतना ही मेहनत करना है, उधर भी जाए तो उतना ही मेहनत करना है, मतलब कि ये दोनों में से कुछ भी कर सकता है। आर यू गेटिंग? दोनों में से कुछ भी कर सकता है ये उत्कर्ष, तो Yes, sir. जब कुछ भी करेगा तो ये नॉन मेटलॉइड्स होते हैं, इनके अंदर दोनों प्रो की प्रॉपर्टी होती है। जब वो लूज करेगा तो वो मेटल की प्रॉपर्टी शो करेगा, जब वो गेन कर रहा होगा तो वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करेगा। Yes, sir. बात समझ में आई? Yes, sir. वैलेंसी 4 होती है बेटा, वैलेंसी 4। वैलेंसी 4 होगी ना, चार लूज या चार गेन करे। अब सोचो यहाँ पे -4 + 4 करते रहोगे तो यहाँ गलती हो जाएगी, वैलेंसी 4 हो जाएगी, वैलेंसी 4 है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4। ओके सर, मैं सर थोड़ा सा क्लास एंडिंग तक सर कहानी का, अब सर धोखा दे रहे सर आप। चलो ठीक है, तो क्या है, एक बार क्या, एक बार की बात है कि जब एक बार की बात क्या, आप लोग सुने भी होगे इस कहानी को, क्या है कि एक बार दो दोस्त थे, ठीक है। अब दो दोस्त मतलब दो जानवर दोस्त थे, ठीक। एक दोस्त जो जानवर था वो हाथी था, ठीक है, मतलब हथनी थी, और एक पप्पी थी, मतलब कि डॉग, डॉग का फीमेल, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो समझ रहे हो, बीच में कहानी सुनते समय बीच में हाँ ना बोला जाता है, ठीक है। यस सर। हाँ सर।
अब ये दोनों दोस्त थे, एक हथनी और एक पप्पी थी। अब ये दोनों साथ में हुए प्रेग्नेंट, ठीक ठीक है। तो क्या हुआ, अब ये जो पप्पी थी ये 4 महीने के बाद इसका बच्चा हो गया, 5 महीने के बाद, समझना कितने हो गए, 10, 12, 8, 10। अब हाथी के पास पहुंची, वो पूछी उससे कि क्या हुआ आपको, तुम्हारा हुआ कुछ, तो वो बोल ली नहीं अभी नहीं। फिर 6 महीने के बाद फिर सुनना, फिर 6 महीने के बाद, और सर हाथी का एक बच्चा हुआ तो चलता ही है सालों साल। सुनो तो पहले कहानी का, तुम वो नहीं पकड़ोगे, थीम नहीं पकड़ोगे, तुम केवल बोलते रहोगे, लास्ट में भी यही फायदा, कोई फायदा नहीं होगा, तुम यही समझोगे यार तो सर कहानी सुना दी हमको, कुछ सीखोगे नहीं उससे, समझो जरा। फिर 2-6 महीने के बाद फिर पहुंची वो कौन पप्पी उसके पास, हाथी के पास, 6 बच्चे फिर हो चुके थे उसके। अब फिर हाथी से पूछी क्या हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद 4 महीने के बाद पहुंची, फिर उसके 6 चूहे हो चुके थे। तो इस तरीके से जब तक हाथी के पास वो पहुंचता रहा, हाथी के पास पप्पी पहुंचता रहा, क्या हुआ कि उसके 20 बच्चे हो चुके थे, किसके, पप्पी के, पप्पी के, हाथी का एक भी नहीं हुआ। हाथी बोला, पप्पी बोला उससे क्या कर रहे तुम यार, साथ में दोनों प्रेग्नेंट हुए, अभी क्या है, साथ में दोनों ये सब कुछ हुआ, हमारे इतने बच्चे, तुम्हारा एक भी बच्चा नहीं। तो हाथी पता क्या बोला, हाथी बोला कि जब हमारा होगा तब दुनिया देखेगी, ठीक है, धरती हिल जाएगी। मतलब हाथी का जो बच्चा होता है 2 साल लगता है, ठीक है, 24 मंथ के आसपास लगता है। तो वो बात को समझो, हम कहना क्या चाहते हैं, आपका काम है पढ़ाई करो, पढ़ाई करो साल भर पूरे लग के, बीच में कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, कौन आके कह रहा है हाँ भाई साहब तुम्हारा दोस्त कह रहा है हाँ भाई कितना हुआ तुमसे, कितने नंबर आए, चाहे क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जब होगा बड़ा होगा, ठीक है, हम जब कुछ करेंगे बड़ा करेंगे। तो इस बात को समझो जरा सार्थक आप, कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, कहानी का सार क्या है, कि आप सीखते रहो, सीखते रहो, आप मत देखो कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया की आपके दोस्त की कोई भाई अचीवमेंट आ गया आप उससे खुश हो, आप उससे परेशान हो गए कि अरे यार ये तो हो गया, इसका तो हाफ ईयरली में इतने नंबर, अरे यार छोड़ो, आप करोगे सीखते रहो, कुछ बड़ा करोगे, हाथी जैसे बनो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यस सर आ गई, चलो ठीक है, ओके देन, थैंक यू एवरीवन, कल आपके साथ फिजिक्स की, बाय सर, कल शायद आप लोग फिजिक्स की क्लास होगी तो उसमें आप लोग करिए, ओके देन, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, थैंक यू सर, बाय सर।